सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बाजपुर। क्यों जा रहा हूँ पता नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों? क्योंकि इशविंदर को कुछ काम है, उसका मुझे कॉल आया था कि बाजपुर जाना है। तो मैं कहा चलते हैं, वो मतलब कह रहा कि चलते हैं, तो मैं भी फ्री ही था तो मैं रेडी हो गया। अभी वो बाहर मेरा वेट कर रहा है और हमें निकलना है बाजपुर, और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। वो अभी जल्दी से पहुँचते हैं, काफ़ी देर से खड़ा है वो। ये रास्ता पता नहीं कब से ही होगा, सीधे वहाँ से रास्ता है बट अब वहाँ काम चल रहा है तो बंद कर रखा है। हमें यहाँ से घूम के आना पड़ता है। और यहाँ से हाल देखो, अब मशीनें लगी हुई हैं। डर लग रहा था कि कुछ गिर विर ना जाए। फिलहाल हम वेट कर रहा है, जल्दी निकलते हैं। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट। हम फर्स्ट। ए गाड़ी चला, गाड़ी चला। काफी टाइम बाद फाइनली आज मिला है। चलो कितने का डलवाना है? टंकी फुल कितने का? 100 रुपए का बस। ओहो गाइस, यहाँ तो बस 100 रुपए का तेल डल रहा है। गरीबी छा रखी है। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं। इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। अभी हम बाजपुर से आ रहे हैं वापस। वहाँ पे हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे आप व्यू देखो, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। वाओ ब्यूटीफुल, सामने बादल हो रखे और इधर देखो पूरा व्यू। जब पता नहीं है वहाँ कहाँ आ रही है, वहाँ की वजह से वहाँ कहीं कट ना रही। A few minutes later. तो ये देखो, ये है मेरा लैपटॉप, इस पर मैं सारा काम करता हूँ। मेरा जो भी YouTube वगैरह का होता है सब कुछ इस पर करता हूँ। बढ़िया चल रहा था बट अब क्या हुआ, ये देखो इसको जब मैं ओपन करता हूँ बिल्कुल सही है बट अब यहाँ से देखो ये मतलब वैसे थोड़ा सा पुराना है। ये देखो ये चल बिल्कुल सही रहा था और ये मम्मी के हाथ से गिरा और ये यहाँ से टूट गया। और इसे इतना नहीं, इसका ये बटन भी गया। और मेरे ख्याल से लैपटॉप का ये पूरा कीबोर्ड चेंज होता है जब भी, अगर एक बटन भी टूट जाए तो शायद से। और ये तो अलग मुझे लग रहा है, अब तो ये ख़त्म ही है, ये अब नहीं चलने वाला। ये वैसे इस पर पॉलिथीन वो लैमिनेशन चढ़ी हुई, इसको मैं हटाऊंगा ना तो बिल्कुल साफ लगेगा। ये लैमिनेशन की वजह से ऐसा हो रखा है, इसको थोड़ा साफ भी नहीं किया तो हालत ख़राब हो रखी है। और चल बिल्कुल सही रहा था ये। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। तो देखा अभी आपने ये क्या हुआ, तो मैं अभी पहले बता देता हूँ कि आपको ये कैसे टूटा है। तो मम्मी ना सुबह सफाई कर रही थी, एक हाथ में लैपटॉप था, टेबल साफ कर रही थी, एक हाथ में लैपटॉप था, एक हाथ से सफाई कर रही थी, तो अचानक से मम्मी के हाथ से छूट गया। अरे नीचे गिरा और एक साइड से ये पूरा उखड़ चुका है। और एक साइड तो चलो ठीक है और इसका एक बटन भी टूट चुका है। अब मुझे नहीं पता वो जो उखड़ा है वो सही हो पाएगा या नहीं, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि तो पूरा ही उखड़ चुका है ना। बाई चांस अगर हम इसे ठीक भी कराते तो ऊपर का डलेगा, अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा उसमें, तो मैं तो इसे अब ठीक नहीं करवाने वाला हूँ। और दूसरा ये है
इसके जो क्या कहते हैं, इसके अंदर एक बटन भी टूट गया, वो अब वो मिल भी नहीं रहा है कि कहाँ गया वो बटन। और इसमें अगर एक बटन भी उखड़ता है ना तो वो फिर सीधे पूरा कीबोर्ड चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि वो बटन लगा दिया कहीं से ला के, तो पूरा कीबोर्ड वो चेंज होता है, उसमें अलग खर्चा होगा। तो मैं तो अभी इसे ठीक करवाने नहीं वाला, अराउंड अराउंड 25-30 हज़ार का नुकसान ये हो गया। और इतना ही नहीं है, ये तो मैं आपको आज का गिनवा रहा हूँ। मैंने सोचा आपको ये दिखाई दिया तो मैं बता दूँ कि कितने बेकार दिन चल रहे हैं हमारे। हैं, ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। तो दो तीन दिन पहले एक और नुकसान हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो फिर उसके बाद बात करते हैं। देखो बिल्कुल बढ़िया फोन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कैमरा भी देखो बिल्कुल सही है, स्क्रीन भी साफ है, थोड़ा निशान हो रखे हैं हाथ वाथ के। बाकी एक कवर उतार के भी दिखाता हूँ, अंदर से भी नहीं टूटा हुआ दिखाता हूँ। रुको, ये देखो बिल्कुल वाइट है दूध जैसा, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। बट मेन आता है अब यहाँ पर, ये देखो सबको सही लग रहा है ना, बट अब देखना क्या होगा। देखो कुछ नहीं हो रहा है, ये गिर गया और उसके बाद से इसकी जो टच है वो पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, बाकी सब कुछ चल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये देखो लाइट बंद होगी, लाइट चालू होगी, सब कुछ बढ़िया है, पीछे भी चल रहा है, कैमरे तो अब देख नहीं सकते सब, ये वॉल्यूम भी हो रही है अप डाउन। इसमें अब ये पंगा आ गया है कि अच्छा खासा चलता फ़ोन बिल्कुल नया, बट ये पता नहीं किस वजह से स्क्रीन में हो गया, देखो लाइट नहीं ओपन हो रही, ऐसे करने पे हो जाती है। अब बटन दबाऊंगा लाइट चालू होगी, इसकी डिस्प्ले शो होगी। एक ये पंगा और आ गया, ये नुकसान और हो गया है नया आईफोन बिल्कुल वाइट कलर का। तो देख लिया कि क्या हुआ है हमारे साथ, एक आईफोन ख़राब हो गया और एक लैपटॉप, दोनों ही। आईफोन को पता नहीं क्या हो गया यार, एकदम से गिरा और टच ही चलना बंद हो गया। वैसे सब कुछ चल रहा है, उसमें कॉल कर रहे हैं, कॉल भी जा रही है, और बस उसमें ये हो रहा है कि हम ना कॉल कर सकते हैं किसी को, ना फोटोज़ वगैरह, क्योंकि टच ही नहीं चल रहा है। और उसको दिखाया भी था तो उस पर 5,000 से 10,000 के अराउंड खर्चा बता रहे थे, शायद 5-6 हज़ार ऐसे ही, तो उसमें इतना खर्चा आना है। बाकी लैपटॉप पे भी इतना ही मान लो, इतना क्या, अब तो ख़त्म ही है, मैं तो निकलने वाला, तो 20-25 हज़ार का ये अराउंड टोटल 30 हज़ार मान लो, अगर मैं आईफोन में ठीक ना कराऊँ तो, क्योंकि होल्डर मेरे ख्याल से ओरिजिनल वाला जो है वो तो महंगा डलता है, अगर मैं लोकल डलवाऊँगा तो डल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल वाला अच्छा खासा महंगा डलता है।